से राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मेरे पास हैक पे 1,000 शेयर है 1,600 रुपए के भाव से, और आईआरसी के मेरे पास 10,000 शेयर है 140 रुपए के भाव से। दोनों में ही अच्छे खासे मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं, खासतौर से HEG में। अब बताइए आपको और कितना रुकना है? एक साल तक रुकना है दोनों में। एक साल तक आपको रुकना है दोनों में, ठीक है। महेश, दोनों ही काउंटर्स में मुनाफे में है फिलहाल, थोड़ी सी पार्ट प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है क्या, खासतौर से HEG में? HEG में अपने को पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, कारण कि अभी जो मेटल के हिसाब से चल रहे हैं उसके हिसाब से अपसाइड जो मिल रहा है, तो ये मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर जो आपको अपसाइड मिल रहा है उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट 50% के करीब करीब या 40% के करीब करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मीनवाइल थोड़ा एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करता हूँ वो आप स्टॉप लॉस बना के रखिए, 2160 से 2170 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। उसके नीचे अगर ये काउंटर ट्रेड करता है या आपको क्लोजिंग देता है तो उसके बाद में थोड़ा सा वीक टेरिटरी में आ जाएगा, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना है। एक स्टॉप लॉस जो है आपको ध्यान में रखना है, और अपर लेवल जो है इसके अंदर तो जैसे भी मेटल के कारण से जो भी अपसाइड रहती है वो थोड़ा सा साइक्लिकल रहता है, तो उसके हिसाब से थोड़े अपर लेवल इमीडिएट बेस पे बताना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा, बट यस 2700-2800 तक के अपर लेवल अभी भी यहाँ से विजिबल है। बट आपको एक 2170 का जो स्टॉप लॉस है वो माइंड में रख के इसको ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी और उससे आपको सस्टेन करने में बढ़िया रहेगा। दूसरा काउंटर है आपका IRFC, तो IRFC का जो है वो आपको होल्ड करने की सलाह रखेंगे। IRFC में यहाँ से भी एक मोमेंटम करीब करीब अपने बनता हुआ दिखेगा, और ये काउंटर करीब करीब आपको 180 से 190 के लेवल जो है वो दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर 128 का बना के रखिए और होल्ड करिए। SBI, KM Sugar और NHPC क्या करंट लेवल पर बाय करना सही होगा? एक बार फिर से मैं महेश जी नाम ले लूं, SBI, KM Sugar और NHPC करंट लेवल पर क्या एंट्री करना बेहतर होगा? बताएं महेश जी, क्या सलाह होगी प्रिया को? डेफिनेटली अपन वैसे भी PSB सेक्टर पे बुलिश है, तो SBI पे अपनी वैसे भी बाइंग की सलाह रहती है, बट कल जैसे थोड़ा सा रन ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें कंसोलिडेशन 790 के करीब करीब अगर वापस से SBI में एंट्री मिलती है, 770 से 790 के बीच की अगर एंट्री SBI में मिलती है तो वहां पे डेफिनेटली एक एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ से भी SBI में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप जो है वो देख सकते हैं, SBI में और भी यहाँ से अपसाइड थोड़ी सी विजिबल है। दूसरा काउंटर है आपका NHPC, तो यहाँ पे भी आप एक थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के वहां पे भी एक काम कर सकते हैं। उसमें भी आपको एक जो है नीचे के लेवल 87-88 के लेवल आराम से शायद कोई भी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें भी एक बाइंग का आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो ये दो काउंटर स्पेसिफिक है जहाँ पे आप बाइंग की जो रणनीति बना के काम कर सकते हैं, इन दोनों काउंटर में आपको जो है थोड़े अपसाइड जरूर मिल सकते हैं। KM Sugar जो है स्पेसिफिक अपना थोड़ा सा उसमें अवॉइड की सलाह रहेगी, हालांकि काउंटर ठीक ठाक है बट कंपेयर टू ये दोनों काउंटर जो है वो ठीक लग रहे हैं, तो उसको ये दो काउंटर में आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं।